एन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है शिक्षार्थियों आज हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय के अंतर्गत एक पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं और पाठ का नाम है आखिरी चट्टान यह मोहन राकेश का एक यात्रा वृत्तांत है इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पाठ की मुख्य विशेषताएं क्या हैं इस पाठ में जिस क्षेत्र विशेष का वर्णन किया गया है उसकी महत्ता क्या है चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन ऋषि हैं आप कुलाची हंसराज स्कूल में प्राध्यापक हैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है धन्यवाद शिक्षार्थियों हिंदी साहित्य की अनेक विधाएं हैं जैसे कहानी उपन्यास नाटक इसी तरह से आधुनिक नवीन विधाओं में यात्रा वृत्तांत एक प्रमुख विधा के रूप में प्रसिद्ध हुआ है सामान्य तौर पर हम सभी यात्राएं करते हैं लेकिन उन यात्राओं की विशेषताओं को शब्दों में उकेरना और शब्दों के माध्यम से एक चित्र खड़ा करना यह रचनाकार करता है आप जानते हैं कि इतिहास में अनेक यात्रा करने वाले लोगों का एक समृद्ध इतिहास है जैसे वास्को डिगामा के बारे में जानते हैं आप और उसके अलावा कोलंबस का नाम आपने सुना होगा तो इनकी यात्राओं की विशेषता यह है कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की लेकिन जब एक साहित्यकार यात्रा का वर्णन करता है तो वह एक तरफ अपने अनुभवों को व्यक्त करता है दूसरी तरफ सरल शब्दों में क्षेत्र विशेष की सभी विशेषताओं को भी उद्घाटित करता है तो आज हम जिस पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आखिरी चट्टान आप समझ गए होंगे आखिरी चट्टान यह एक विशेष संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है इसमें मोहन राकेश ने कन्याकुमारी की यात्रा की और वहाँ पर जो विवेकानंद चट्टान है उस चट्टान के आसपास की खूबसूरती का वर्णन किया है तो यह पाठ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ प्रकृति का बड़ा ही मनोरम चित्र प्रस्तुत हुआ है तो हम अंशुमन जी इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं तो प्रारंभ में क्या बताना चाहेंगे पहली बात तो यह है कि यात्रा का अनुभव हम किस प्रकार से लेते हैं हम यात्रा किसी कार्यवश जा रहे हैं या स्व अनुभूति के लिए या स्वसुख के लिए जा रहे हैं अपने सुख के लिए अगर हम जा रहे हैं तो उन दोनों यात्राओं में बहुत अंतर होता है यात्रा हम प्रतिदिन करते हैं अपने कार्यस्थल तक आते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं लेकिन उस यात्रा का जो महत्व है वो अलग है और एक ऐसी यात्रा जो दूसरों को भी प्रेरित कर दे और अपने को जो आत्म अनुभूति होती है उसका जो आनंद है वो अनुपम होता है और इसी चीज़ को हम देखते हैं कि किस प्रकार से जैसे आपने नाम लिया कि कोलंबस ने मार्को पोलो वास्को डिगामा जैसे लोगों ने भी यात्रा की और राहुल सांस्कृत आयन ने भी की और इस तरह बहुत सारे हमें यात्रा वृत्तान्त अक्सर पढ़ने को मिल जाते हैं लेकिन जब उन वृत्तान्तों को हम पढ़ते हैं कि तिब्बत की यात्रा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो तिब्बत जैसे हमारे सामने कोई लाकर खड़ा कर देता है तिब्बत का पूरा परिवेश स्थानीय परिवेश वहाँ की भाषा वहाँ की संस्कृति को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है पाठक को ऐसा लगता है कि उस यात्रा में उसके हर तत्वों के साथ हर पौधे पेड़ पक्षी के साथ नदी पर्वत के साथ वह स्वयं पाठक भी वहाँ पे खड़ा है और यही यात्रा वृत्तांत की भाषा को जो है स्पष्ट करता है कि उसकी लिखने की एक अलग शैली होती है जिसमें खुद को शामिल करना होता है तो सबसे पहली बात तो ये कि हम जानें कि ये दिसंबर उन्नीस से फरवरी उन्नीस के बीच यह उन्होंने गोवा से कन्याकुमारी की एक यात्रा की थी और ये पूरा देखिए कि कितना समय लगा इस समय में अर्थात कि वह एक एक पल को एक एक स्थान के एक एक चीज़ों को वो आत्मसात करते गए और अनुभूत करते हुए वो आगे बढ़ते गए और ऐसे ही उस आखिरी चट्टान तक पहुँचे जिसका उल्लेख इस पाठ में मोहन राकेश ने किया है और आखिरी चट्टान विवेकानंद की जो समाधि चट्टान जिसे माना जाता है जहाँ विवेकानंद ने समाधि के रूप में उसको नाम दिया गया उस चट्टान का वह किस प्रकार से वहाँ का दृश्य है और किस प्रकार से समुद्र की लहरों से वो टकराती रहती है और लिखने की वही शैली जिसमें एक बड़ी विशेष बात यह है कि वो कहते हैं कि इतनी चोटों को खाने के बाद ऐसा लगता है वो चट्टान भी जो है समाधिस्थ हो गई है ये तमाम भाषा है उनकी जिसकी चर्चा इसमें की जाएगी हम इस पाठ के माध्यम से जाने कि किस प्रकार से वह स्थान पहले कहाँ पे है और वह बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर और अरब सागर का मिलन स्थल है और भारत का एक कह सकते हैं कि दक्षिण का सबसे अंतिम छोर बहुत ही रोमांचकारी बहुत ही सुंदर स्थान जहाँ के अनुभव को मोहन राकेश ने इस पाठ में प्रस्तुत किए हैं शिक्षार्थियों इस पाठ का उद्देश्य क्या है उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं शिक्षार्थियों इस पाठ को पढ़ने के पश्चात यह तो स्पष्ट है कि हर एक पाठक दक्षिणी भाग के जो भौगोलिक जानकारी है खासतौर पर कन्याकुमारी की उस जानकारी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे और अभिव्यक्त भी कर पाएंगे साथ ही कन्याकुमारी और उसके आसपास का जो परिवेश है उसका बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति इसमें की गई है तो उसकी जानकारी को एकत्रित एक कर वह वर्णन भी कर सकेंगे आप विवेकानंद चट्टान की जो जानकारी जिस प्रकार से प्रभावकारी ढंग से लेखक ने यहाँ प्रस्तुत की है उसका वर्णन करने में आप सक्षम हो पाएंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन जो अद्भुत और रोमांचकारी है उसको आप महसूस भी करेंगे और अपने शब्दों में इसका वर्णन भी कर सकेंगे यात्रा वृत्तांत की विधा के जो तत्व हैं उनसे आप परिचित हो सकेंगे साथ ही लालित्यपूर्ण भाषा शैली से परिचित हो सकेंगे शिक्षार्थियों, तो आप पूरे पाठ को पढ़ते समय निश्चित रूप से एक भाषा विशेष की बात यहाँ पे की जा रही है कि जिसको पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा कि हम स्वयं एक यात्री के रूप में कहीं वहाँ पर उसी परिवेश में उपस्थित हैं इस पाठ का जो सारांश है मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं ताकि शिक्षार्थियों आप संक्षेप में इस पाठ को समझ सकें तो मुख्य बातें क्या इसमें आई हैं सबसे पहले तो देखिए अगर पाठ को हम बड़े संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो यह बात केप होटल से शुरू होती है जहाँ पर एक सूर्यास्त के समय लेखक जो है वो विवेकानंद के समाधि स्थल जो है वहाँ पर जाने की वक़्त कोशिश कर रहा है और जैसा जानते हैं कि शाम के समय का वो दृश्य बड़ा ही मनोहारी लगता है जिसकी ओर वो जाते हैं और वहाँ पर वो जो सारी परिस्थितियों को बताते जाते हैं किस प्रकार वह रेत पर चल रहे हैं रेत के रंग किस प्रकार से बदल रहे हैं और साथ में उनकी यह इच्छा होती है कि रेत के इन बदलते रंगों को अपने मुट्ठी में बांध लें और सारे रंगों को समेट लें कि अपने साथ ले जा सकें फिर यह सोचते हैं कि नहीं क्या इन रंगों को फिर कभी आकर मैं जो है समेट लूँगा और अभी जो है उस सूर्यास्त के उस सुंदर दृश्य कोई ओर बढ़ते हैं उस ओर जाते हुए उन्होंने बहुत सारी बातों का वहाँ पर वर्णन किया है जैसे कि सैंड हिल पर जो है कुछ लोग बैठे हैं कुछ मिशनरी युवतियाँ बैठी हैं और आठ दस ऐसे लोग हैं जो गांधी टोपी में वहाँ पर उपस्थित हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर कन्याकुमारी में ये सूर्यास्त और सूर्योदय देखना जाते हैं पर्यटक के रूप में तो लेखक भी वहाँ पहुँचा तो कुछ लोग पहले से वहाँ उपस्थित थे उन सारे घटनाओं को वो उसमें उल्लेख करते हैं और साथ में एक खास बात वो जो दो बार इस पूरे पाठ में आती है शिक्षार्थियों इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि कॉफ़ी पिलाते बेरे वो सूर्यास्त के समय होटल में कॉफ़ी पिला रहे हैं अंत में आप इस पाठ के देखेंगे सूर्योदय के समय जब बेरे देखते हैं तो वहाँ पे भी बेरे जो हैं वो लोगों को कॉफ़ी पिला रहे हैं एक और इसमें ये स्थिति है और दूसरी ओर वहाँ बेरोजगार युवक की भी बात करते हैं वो सारे दृश्यों के बातें झुरमु नार नारियल के झुरमुट की बातें और इन सब के साथ साथ में एल्बम बेचने वाला पढ़ा लिखा बेरोजगार उसका उल्लेख भी वहाँ पे वो करने से नहीं चुकते हैं साथ ही कुछ युवतियाँ जो हैं वो होटल में शंख और मालाएं दिखा रही हैं और लेखक जब सूर्योदय के समय कुछ नवयुवकों से वहाँ मिलता है और उनकी बातों को सुनता है तो उससे यह भी जानता है कि वहाँ के पढ़े लिखे लोगों की जो बेरोजगारी की समस्या है उसको भी एक परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं एक और इसमें महत्वपूर्ण पक्ष दिखाई देता है कि वो शक्ति का विस्तार देखते हैं उन्हें लगता है कि प्रकृति का विस्तार हमें देखने को यहाँ पे मिलता है जहाँ चारों तरफ समुद्र है और लगता है कि अंतहीन है ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्ष है बिल्कुल वो कहते हैं शक्ति का विस्तार या विस्तार की शक्ति एक विशाल समुद्र के सामने जो अपनी पूरी ताकत के साथ उस चट्टान पे जो है टकरा रहा है और उस शक्ति से वो जो चट्टान जो है कई वर्षों से वहीं पर एक समाधि की तरह है तो ये देखते हैं कि किस प्रकार से एक जो है विस्तार की शक्ति है और शक्ति का विस्तार है और साथ ही मैं यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने कई बार यह बात कही है कि मैं कुछ देर के लिए भूला रहा कि मैं मैं हूँ यह बहुत बड़ी बात थी कि एक ऐसा स्थल जहाँ जाकर इंसान अपने आप को भूल जाए वह स्थिति एक महानगरीय जीवन में वो बड़ी मुश्किल हो जाती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक उस स्थल की महत्ता है उसको भी रेखांकित करना चाहते हैं कि विवेकानंद का वो समाधि स्थल है कहीं ना कहीं ज्ञान का समुद्र भी वहाँ पे है बिल्कुल इसमें देखिए अंत में अगर शिक्षार्थी आप देखेंगे तो वो बेरोजगार युवक कहता है कि विवेकानंद की जो ये समाधि स्थल है इससे हमें बहुत कुछ जो है कहीं ना कहीं हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं उनकी शक्तियों से कहीं ना कहीं हम भी अभिभूत होते हैं यह बात अंत में शिक्षार्थी इसमें देखते हैं तो अब चाहते हैं कि हम जैसे कि अगर इस पूरे यात्रा वृत्तांत के तत्वों को समझे अभी हमने इसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझा और इसके सारांश को भी समझा और यात्रा वृत्तांत की विधा को भी समझा तो हम दूसरे भाग में तत्वों के आधार पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि रचनाकार ने तत्वों के आधार पर इस पाठ को कितना समीचीन बनाया है कितना प्रभावशाली बनाया है धन्यवाद